हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 6। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले काफी आसान होगा समझना। जैसे एक कंपनी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है मटीरियल को खरीद करके कंपनी के अंदर लाना। अब वो मटीरियल जब कंपनी के अंदर आ गया, जब तक वो कंपनी से बाहर नहीं जाता है, कस्टमर को बिक नहीं जाता, तब तक उसको पूरा मैनेज करना, उसको फिनिश्ड गुड्स में पहुंचाना, उसकी प्रोडक्शन करना, ये पूरा जो काम होता है ये मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है। उसके अंदर आपने ये सुना होगा कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये भी बोल देते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, या इसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स के नाम रख देते हो। ठीक है, तो अभी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों की मैनेजमेंट कॉमन होने लग गई थी 1980s 1990s में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने ये पाया कि कॉस्ट रिडक्शन इज इजियर, आसान है कंपेयर टू मटेरियल को बाहर बेचने से, उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन करके जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना आसान है। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट हो या फिर मटेरियल मैनेजमेंट हो, इन दोनों ही डिपार्टमेंट का सेम ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो मैनेजमेंट को ये समझ आने लग गया कि रादर देन हैविंग सेपरेट टॉप मैनेजमेंट फॉर दीज टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, इट वॉज बेटर टू कि हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स का सेम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बना दें। तो ये ऑर्गेनिकली दोनों डिपार्टमेंट एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक हेड के अंडर में आने लग गए थे।